तो गाइस आज हम लोग सोवेल के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो सोवेल में होते हैं। अगर आप लोग कभी सोवेल्स को देखे नहीं है, या फिर सोवेल के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ इंटरेस्ट रखते हैं कि सोवेल माइनिंग इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे काम करती है, तो उसके जनरल व्यूज़ जो जनरल पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो जो मेन तीन पार्ट्स होते हैं सोवेल के, वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला होता है अपर डेक, दूसरा होता है लोअर डेक और अंडर कैरेज, और तीसरा होता है बूम मैनेजमेंट। तो ये तीनों पार्ट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको पहले वो बताऊंगा। सबसे पहले होता है ये बकेट, जिसके लिए पूरा अरेंजमेंट होता है। इसमें ही वो कोल या ओबी या कोई मटेरियल लोड होता है, और इस बकेट को अप डाउन करने के लिए यहाँ पे होइस्ट का रोप लगा होता है। ये होइस्ट का रोप यहाँ पे किसी पुली या फिर बेलबार से कनेक्ट होकर ये ऑल द वे मशीन रूम में जाता है, और मशीन रूम में यहाँ पे एक होइस्ट ड्रम होता है, जिसके चलते ये रोप को कंट्रोल करता है अप और डाउन करने के लिए डीपर को। और जस्ट लाइक इसके लिए हॉइस्ट के लिए क्राउड के लिए भी एक रोप लगा रहता है या फिर गियर बॉक्स लगा होता है, दोनों अरेंजमेंट होता है। तो ये जो सोवेल है उसमें गियर बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, यहाँ एक गियर बॉक्स होगा और इसमें रैक्स लगे रहेंगे तीन टाइप के, और यहाँ पिनियन रहेगा। तो जब भी सोवेल को अपने डीपर को आगे पीछे करना होता है तो ये रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट होता है। ये अगर पिनियन आगे के साइड मूव करेगा तो बकेट आगे की ओर जाएगी, और पिनियन पीछे साइड मूव करेगा तो बकेट पिनियन की तरफ पीछे के साइड आएगी। और इस पार्ट्स को ये डीपर, इस बकेट को डीपर हैंडल को जो कनेक्ट करके रखता है उसको बोलते हैं हम लोग बूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मशीन का, और ये हमेशा 45 डिग्री में होता है। तीसरा चीज़ होता है अपर डेक। अपर डेक में क्या होता है, ये मशीन रूम होता है। इसमें जितने भी वर्किंग इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर, गियर बॉक्स, मोटर, ब्लोअर, ड्रम्स, पैनल्स, ट्रांसफार्मर, सब इस मशीन के अंदर होते हैं, और ये फुली पैक्ड होता है। इसमें पानी अब जाता नहीं है, और एयर जनरली एयर कूल्ड होता है। जितने भी कंपोनेंट होते हैं इसमें एयर कूलिंग होता है। एयर कूलिंग का हर सोवेल का अलग अलग फंक्शन होता है, और मेनली देखा जाता है कि ऊपर साइड से एयर को फ्लो करवाया जाता है थ्रू ब्लोअर्स, यहाँ ब्लोअर्स लगे रहते हैं, और ये मशीन को ठंडा रखने में मदद करता है। तो प्रेशराइज्ड एयर होता है, जिसके चलते जितने पैनल्स होते हैं सब कूल रहते हैं। ये मशीन का अंडर कैरेज का यूनिट होता है। इसमें क्या होता है कि मशीन को आगे ले जाना, पीछे ले आना, मशीन को स्विंग करवाना, ये पूरा अंडर कैरेज का काम होता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको फिजिकली मशीन में दिखा दूंगा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो जनरल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं स्प्रॉकेट, आइडलर्स, चैन पेड, ट्रैक चैन, एंड जिस पे मशीन पूरा रोटेट करता है, जो स्विंग करता है, ये इसको बोलते हैं सेंटर स्पिंडल, जो मशीन को बीचों बीच रहता है। इसी के थ्रू कनेक्शन और एलवी रिंग